दिल के पास कसर माइंड कसर मतलब कसर करने वाला जिम करने वाला हवा मौज के गगरिया दोनों आप इतना क्यूट कैसे हो मान लीजिए कि दुनिया में सब कुछ फ्री हो ठीक है तो मतलब आपको क्या पसंद है चिल्ली पटाटा सबका स्नेक बड़ू धनिया हमार नमस्कार प्रणाम आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप सब देख सकते हैं कि जैसे हम आज मतलब अपने घर से ब्लॉग कर रहे स्टार्ट तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि आप सभी पता है क्योंकि हम बिना आप सभी घसाए बिना ब्लॉग को ख़त्म नहीं करते हैं तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा। देखते हैं आज का प्यारे से ब्लॉग क्या पता है बताइए आपको भाई कैसा लग रहा है हीरो लग रहा है ना आज तो देखते हैं आज ये हीरो से कितनी लड़की इंप्रेस होती है ठीक है। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा कुछ नहीं करना है वीडियो पूरे एंड तक देखना है और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना ठीक है प्लीज़ बोल रहा हूँ। चलिए चलते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। A few moments. हमें मतलब मिली है बहुत क्यूट सी परी। हेलो कैसे हो आप कैसे हो इधर साइड जहाँ पे ना बैठ के सारी मम्मी लेके अच्छे हो। आपका नाम क्या हुआ दिल के पास कसर माइंड कसर मतलब कसर करने वाला जिम करने वाला और आपका नाम नामिक नामिक अच्छा नाम है वैसे आप दोनों नाम बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इतना क्यूट कैसे हो क्यूट कैसे हो इतना सही बात है अगर माँ बाप क्यूट होंगे ना बच्चे क्यूट होंगे ना बच्चे माँ बाप के तो पता है मुझे आपसे क्वेश्चन ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि दुनिया में ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब भगवान ने बना ठीक है आगे से और पीछे से इंसान ने बनाया भगवान ने बनाया और पीछे से इंसान ने बनाया नहीं पता तो गाय जैसे मैं बोलता हूँ भाई लड़की दिमाग घुटने में होता घुटने में बता दूंगा ना पिन कर दूंगा ठीक है। अच्छा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि दुनिया में सब कुछ फ्री हो ठीक है तो मतलब आपको क्या पसंद क्या आपको सब कुछ फ्री है दुनिया ठीक है मैं जो आपको पसंद हो क्या करोगे क्या लोगे आप पसंद क्या चिल्ली पटाटो और गोलगप्पा क्या गोलगप्पा आई मतलब पसंद नहीं गोलगप्पा मतलब ठीक है लेकिन चिल्ली पटाटो ज़्यादा पसंद ज़्यादा इसका फेवरेट कर दो कॉम्पोजिट कर दो मेरे आपको क्या पसंद है गोलगप्पा इधर ये क्या गोलगप्पा पसंद है गोलगप्पे ओ माय गॉड छोले भटूरे मेरे फेवरेट है तभी आप छोटे से दगड़ छल देखना आपका तो गाइस देख रहे हो मतलब पहली बार ऐसी लड़की मिली जिसको मतलब चिल्ली पटाटा ठीक है और छोले भटूरे पसंद है उसको भाई खाने में और हमको पसंद क्या पसंद है भाभी मतलब हमारी भाभी यार भाई एक्चुअली पता मेरी भाभी है इतने क्यूट है भाई मैं से फिदा हूँ उसके पर क्या वो लाइन देती नहीं है देखना मत कुछ बोलना मत भैया को देख लो क्या चीज भैया तो भैया विदेश में है भाभी लॉयल नहीं है भाई बहुत लॉयल है। अच्छा नहीं है अच्छा मान लीजिए कि जैसे होता है मैथ में एक्स बराबर जीरो ठीक है तो आप उसी मान लीजिए कि आप मेरी माँ की बहू ठीक है मान लीजिए मान गए ना मान नहीं हो यार मान लीजिए ना यार अरे मान लीजिए साथ थोड़ी ना यार अरे मान लीजिए हम थोड़ी ना ब्याह कर रहे हैं बस यार अच्छा पूछे तो मतलब जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ठीक है तो आप हमारे चलोगे डेट पे पत्नी डेट पे कुछ अलग बताइए शादी से पहले डेट नहीं हो शादी के बाद हो जाएगी हाँ चल रहा है नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में कोई कहीं नहीं जा ठंड में यार ठंड में मज़ा भी आएगा
तरह से मुझे अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। पर आपको बहुत अच्छा बोल रहा है, आपका दिन अच्छा है, आपको दिन अच्छा है, नहीं आपको दिन अच्छा है। अच्छा आपको आगे अच्छा बोलूँ, आई लव यू, आई लव यू भाई ना। मतलब भैया बोल दिया सैया बना कर यार, इतना बेइज्जती मारता है वो लोग में क्या यार, मतलब पहले सैया बना भैया बोल दिया ऐसा चलता है। तो भैया बना देता अच्छा। तो भाई देखो गाइस मतलब बहुत अच्छी लड़की है, क्यूट सी, पर क्या करूँ पता है दिल आ गया यार, दिल आ गया उस पर। और मैं मम्मी का आप उन्हें कहोगे मैं हमारी माँ की बहू भैया, नहीं भैया हट 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 भैया बोल दो बाय बाय बाय।